Hello kids, welcome back to EVS class. Kids, today we are going to complete back exercise of chapter 2, My Amazing Body. So quickly take out your EVS book and open page number 13 in it. Hey kids, it's page number 13. And we will do exercise of chapter number 2. Now it's time to answer. Exercise A. Answer the following questions to tell us more about your body parts. अब यहाँ पर जो questions हैं, they are related to their, to your body parts. और आपने यहाँ पर write करना है जो भी पूछा है और किड्स याद रहे कि ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर करते टाइम आप वन वर्ड में आंसर करोगे. ओके, यू विल आंसर इन वन वर्ड, नो नीड टू राइट सेंटेंसेस. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कलर ऑफ योर हेयर. यहां पर आप अपने हेयर का कलर बताओगे इन वन वर्ड. अगर ब्लैक है तो ब्लैक, ब्राउन है तो ब्राउन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, डू यू हैव स्ट्रेट, वेवी और कर्ली हेयर. अब आपने अपना हेयर टाइप बताना है. यू विल मेंशन व्हाट टाइप ऑफ हेयर यू हैव. अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट, स्ट्रेट, वेवी और कर्ली, इन थ्री वर्ड्स में से जिस टाइप के भी आपके हेयर है यू विल चूज द वर्ड एंड राइट हेयर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कलर ऑफ योर आईज. इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन किड्स यू विल टेल, यू विल राइट कलर ऑफ योर आईज. ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रे, जो भी आपकी आईज का कलर है राइट इट हियर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, आर योर आईज बिग और स्मॉल. किड्स जैसा कि आपको पता है किसी की आंखें छोटी छोटी होती हैं तो किसी की बड़ी बड़ी आंखें होती हैं. अब आपने देखना है कि आपकी आंखें किस टाइप की हैं एंड हियर यू विल टेल whether your eyes are big or small. इन दोनों words में से जिस भी टाइप की आपकी आईज है उसको चूज करके आपने यहाँ पर राइट करना है. सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कलर ऑफ योर स्किन. और यहाँ पर किड्स आप अपनी स्किन का कलर मेंशन करोगे. आपकी स्किन कैसी है, डस्की है, फेयर है, जैसी भी है यू विल राइट इट हियर. ओके, नाउ वी विल कम ऑन पेज नंबर 14. पेज नंबर 14, एक्सरसाइज बी. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स डू यू हैव, काउंट एंड राइट. इट्स यहाँ पर आपको कुछ बॉडी पार्ट्स के नेम दिए गए हैं. अब आपने क्या करना है, आपने उनको काउंट करना है कि वो काउंटिंग में, नंबरिंग में कितने हैं और उसके बाद वो सेम नंबर आपने राइट कर देना है. किड्स जैसा कि आप जानते हैं वी कैन काउंट आवर बॉडी पार्ट्स, हम अपने बॉडी पार्ट्स को काउंट कर सकते हैं. सो वी विल काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स. तो सबसे पहले आपने बताना है कि आपकी आईज कितनी है, राइट द नंबर. देन योर नोज, देन टेल मी योर फिंगर्स. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट फिंगर्स, वी आर नॉट आस्किंग अबाउट टोज. सो राइट द नंबर ऑफ योर फिंगर्स ओनली. नेक, ईयर्स, टंग, arms and knees. Exercise C, and it is about our sense organs. As you all know,
वी हैव फाइव सेंसेस, वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स, आईज टू सी, नोज टू स्मेल, टंग टू टेस्ट, ears to hear and skin to feel. और यहाँ पर हमने क्या करना है exercise C में, which sense organ helped them to know the following. अब ये सब नीचे जो पूछा गया है, ये सब जानने के लिए हम कौन सा sense organ जो है हमारी help करता है, हम किस sense organ से जानते हैं. So नंबर वन इज दिस फ्लावर इज रेड इन कलर. किड्स, अब कौन सी सेंस ऑर्गन से हमें पता लगता है कि जो फ्लावर है इसका कलर रेड है. और कलर देखने के लिए हम क्या करते हैं, सी. और सी करने के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन हमें हेल्प करता है, राइट हियर. ओके, नाउ इट्स नंबर टू, इट इज सो कॉल्ड हियर. आज यहाँ आज तो बहुत सर्दी है, यहाँ तो बहुत सर्दी है. तो कौन से सेंस ऑर्गन से हमें पता लगता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, कोल्ड हॉट कैसा लग रहा है हमें, फील करने के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन यूज करते हैं, राइट इट हियर. And now we will see number 3. This juice tastes so sweet. इस जूस का टेस्ट तो बहुत ही स्वीट है. अब टेस्ट के बारे में हमें कौन सा सेंस ऑर्गन बताता है बच्चों, यहाँ पर राइट करेंगे. ओके, नाउ नंबर 4. आई कैन हियर Someone knocking at the door. मैं सुन सकता हूँ कि कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है. अब hear the word hear. और word hear जो है, hear करने के लिए, सुनने के लिए हम कौन से सेंस ऑर्गन का यूज करते हैं, कौन सा सेंस ऑर्गन हमें साउंड्स को सुनने में हेल्प करता है, वो हमें यहाँ राइट करना है. नाउ नंबर 5. दिस फ्लावर स्मेल्स सो गुड. इस फ्लावर की खुशबू तो बहुत अच्छी है. और आपने देखना है और राइट करना है बच्चों कि स्मेल करने के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन यूज करते हैं, कौन सा सेंस ऑर्गन हमें स्मेल करने में हेल्प करता है. ओके किड्स, नाउ कम ऑन पेज नंबर 1515. पेज नंबर 15, एक्सरसाइज डी. गॉड हैज गिवन अस अ वंडरफुल बॉडी. टेक केयर ऑफ इट एंड कीप इट क्लीन. चूज द करेक्ट वर्ड्स to tell how you can take care of your body. Kids, जैसा कि आप जानते हैं that this question is about taking care of our body. God ने हमें जो wonderful body दी है, हमें इसकी care करनी चाहिए. और हम कैसे care करेंगे वो हम जानेंगे इन फिलप्स के थ्रू. और हम इन फिलप्स को, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे कैसे. यहाँ पर जो हेल्प बॉक्स दिया है, इस हेल्प बॉक्स से राइट वर्ड चूज करेंगे और उन्हें इन गिवन डैशेस में फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. So first of all, let's read the words given in the help box. C-U-T, cut. B-A-T-H, bath. C-O-M-B, comb. W-A-S-H, wash.
बी आर यू एस एच ब्रश, डब्ल्यू ई ए आर वेयर, कट मीन्स काटना, बाथ मीन्स नहाना, कॉम मीन्स कंघी करना, वॉश मीन्स धोना, ब्रश मीन्स ब्रश करना, वेयर मीन्स पहनना. सो लेट्स रीड फर्स्ट सेंटेंस. डैश योर हैंड्स ऑफ एंड ऑन. देन व्हाट विल कम हियर? चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द गिवन हेल्प गिवन वर्ड्स. नंबर टू, डैश योर टीथ ट्वाइस अ डे. आई रिपीट, डैश योर टीथ ट्वाइस अ डे. दिन में दो बार दांतों को क्या करना है? वेरी गुड, ब्रश करना है. नाउ सेंटेंस नंबर थ्री, टेक अ डैश एवरी डे. हर रोज क्या करना है? टेक अ बाथ एवरी डे. हर रोज नहाना है. नंबर फोर, डैश क्लीन क्लॉथ्स. नहाने के बाद हमें कैसे क्लॉथ्स पहनने हैं? क्लीन क्लॉथ्स, वेयर क्लीन क्लॉथ्स, साफ कपड़े पहनो. नंबर फाइव, डैश योर हेयर एवरी डे. हर रोज हेयर को क्या करना है? कॉम करना है. एंड किड्स, कॉम योर हेयर प्रॉपरली. प्रॉपरली ऑयल करके ही हम अपने हेयर कॉम करेंगे. नाउ सेंटेंस नंबर सिक्स, डैश योर नेल्स रेगुलरली. हर रोज नेल्स को क्या करना है? चू करना है? नो, क्या करना है फिर? कट. वेरी गुड किड्स, कट योर हेयर, सॉरी कट योर नेल्स रेगुलरली. आई वैल्यू लाइफ, स्पेशल फ्रेंड्स. किड्स, आपको पता है कि हर कोई बच्चा, हर कोई चाइल्ड नॉर्मल नहीं होता. हर किसी की अपनी स्पेशल नीड्स होती हैं. कोई बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है जिसके अंदर एक्स्ट्रा पोटेंशियल है हर एक्टिविटी को करने का. तो कोई बच्चा स्मार्ट है, कोई स्लो है, कोई बच्चा फिजिकली इनेबल है, डिसेबल है, स्पेशली एबल्ड है. तो बच्चों, चाहे कोई कैसा भी हो, हमें क्या करना है? हमें हर किसी को इम्पोर्टेंस देनी है, हर किसी की हेल्प करनी है. और जब भी हम खेल रहे हों तो सबको अपने साथ शामिल करना है. लाइफ इज नॉट ईजी फॉर सम किड्स. कुछ बच्चों के लिए जो लाइफ है वो ईजी नहीं होती है. दे नीड योर स्पेशल केयर, और उन्हें आपकी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है. सम कैन नॉट सी, कुछ हम में से कुछ देख नहीं सकते. सम कैन नॉट हियर, हम में से कुछ सुन नहीं सकते. सम कैन नॉट स्पीक, हम में से कुछ जो हैं वो बोल नहीं सकते. सम कैन नॉट वॉक, और कुछ चल भी नहीं सकते. सम कैन नॉट अंडरस्टैंड वेल, और कुछ हर बात अच्छे से नहीं समझ सकते. तो इस टाइप के चिल्ड्रन को हम स्पेशली एबल्ड या डिसेबल्ड किड्स कहते हैं. नाउ किड्स, इट्स यू हु कैन मेक देम हैप्पी. ये सिर्फ आप ही हो जो उन्हें खुश कर सकते हो. और आप उन्हें कैसे खुश करोगे? बाय हेल्पिंग एंड प्लेइंग विद देम. आपने बाकी बच्चों के साथ साथ उनको भी अपना फ्रेंड बनाना है,
उनकी भी हेल्प करनी है और उनके साथ खेलना है, उन्हें अपने जैसा नॉर्मल फील कराना है। प्ले लर्न एंड ग्रो टुगेदर, आपने साथ खेलना है, साथ सीखना है और साथ आगे बढ़ते जाना है। एक्टिविटी कॉर्नर, किड्स एनिमल्स ऑल्सो हैव सम पार्ट सिमिलर टू आर्स। एनिमल्स के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं और कुछ बॉडी पार्ट्स हमारे बॉडी पार्ट्स की तरह होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, नेम एट लीस्ट टू सच पार्ट्स, ऐसे दो बॉडी पार्ट्स के नेम यहाँ आप राइट करोगे जो एनिमल्स के भी हमारी तरह होते हैं। ओके किड्स, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।